आगे स्टूडेंट हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन के ऊपर कि पीस वाइज फंक्शन जो है ये क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पीस वाइज फंक्शन जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड टू आर मोर रूल्स इट इज कॉल्ड अ पीस वाइज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस टू इफ एक्स लेस देन फाइव। ठीक है स्टूडेंट, यह है पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन कि कोई भी ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन विच इज डिफाइंड टू आर मोर रूल, ठीक है, डिफाइंड बाय टू आर मोर रूल, कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज्यादा, ठीक है, रूल से डिफाइन किया गया हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, फिर आपको इजिली इस फंक्शन की जो डेफिनेशन उसकी समझ आ जाएगी। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम वैसे फंक्शन को पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, तो अगर हमने यहाँ पे इसकी डोमेन फाइंड करनी हो या रेंज फाइंड करनी हो, सिंपल है कि इसकी जो डोमेन है हमें पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, और अगर हम इसकी रेंज देखें तो ये भी हमारे पास क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी, ठीक है, तो रेंज भी इसकी हमारे पास यही होगी। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात करें, देखें स्टूडेंट यहां पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स प्लस वन के, अगर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो किसे, ग्रेटर आर इक्वल टू हो फाइव के, और एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू होगा एक्स माइनस टू के अगर एक्स की वैल्यू लेस देन हो फाइव। यहां पे देखो सिंगल ही वैल्यू थी, रियल नंबर की बात हो रही है और एक ही फंक्शन है वो यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन जो है वो यूज हो रहा है। देखो यहां पे हम बात करते हैं कोई भी फंक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा रूल से डिफाइंड किया गया हो, ठीक है, तो फिर आप उस फंक्शन क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। यहां देखो दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट रूल ये कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू होगा एक्स प्लस वन के अगर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू हो फाइव के, फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड ये कि f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होगा x माइनस टू के अगर x की जो वैल्यू है वो लेस देन हो फाइव। और ऐसे फंक्शन की स्टूडेंट हम डोमेन और रेंज है वो कैसे फाइंड करते हैं, स्टूडेंट हम इनकी जो डोमेन है इनको यूनियन करते हैं तो फिर हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आ जाती है। जिस तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बात कर रहा है कि फंक्शन जो है f x प्लस वन के इक्वल होगा अगर x जो है वो ग्रेटर है इक्वल टू किसके हो फाइव के, इसका मतलब ये बात कर रहा है यहां पे ये फाइव से लेकर उससे बड़े इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, और यहां पे ये बात कर रहा है लेस देन फाइव के माइनस फाइव और माइनस इंफिनिटी, ठीक है, तो शुड अगर इन दोनों का हम यूनियन कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो हमारे पास इस फंक्शन की जो है वो डोमेन आ जाएगी, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास होगी फाइव से प्लस इंफिनिटी यूनियन माइनस फाइव से माइनस इंफिनिटी। इसमें स्टूडेंट इनकी जो रेंज आएगी उन दोनों की रेंज को भी हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी।
कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा जो दो या दो से ज्यादा रूल डिफाइन कर रहा होगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये तो दो है ना, हम इस एक और एग्जांपल है इसमें तीन रूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और फंक्शन ले लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इफ एक्स लेस देन हो वन, एक्स होगा इफ एक्स इक्वल टू हो वन, एंड थ्री एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन हो वन। अब यहां पर कुछ ये जो फंक्शन है ये दो से ज्यादा जो रूल है वो डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स के अगर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो लेस देन वन, मीन के माइनस में हो, तो फिर हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स टू एक्स के इक्वल हो। कहता अगर एक्स इक्वल टू वन के हो तो फिर हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है, सेकेंड रूल होगा। थर्ड रूल में कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो यानी कि प्लस में हो तो फिर ये इक्वल टू होगा थ्री एक्स के। तो सुनो देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी कि कोई भी फंक्शन दो या दो से ज्यादा रूल से डिफाइंड किया गया हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे पीस वाइज फंक्शन बोलेंगे। तो अगर सुनो हमें इसकी डोमेन भी फाइंड करनी हो तो हम इन तीनों की डोमेन का यूनियन करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आ जाएगी, और इस तरह हम इनकी जो रेंज आएगी उनका यूनियन करेंगे तो हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो आ जाएगी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन के वो क्या होता है। तो स्टूडेंट आगे है मॉडुलस फंक्शन या हम इसको ये भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो स्टूडेंट ये देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है ये क्या होता है। द फंक्शन is defined as f of x equal to modulo of x equal to x 0 minus x if x greater than 0, if x equal to 0, if x less than 0। स्टूडेंट ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमारे पास होता है किस तरह से डिफाइन होता है कि f ऑफ x जो है मॉडुलस ऑफ x ये इक्वल टू होगा x अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 हो, और इक्वल टू माइनस x होगा अगर ये लेस देन हो जीरो से। फिर इस फंक्शन का काम क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का, इस फंक्शन का काम स्टूडेंट ये होता है कि ये माइनस वाली वैल्यूज को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है, बस ये इस फंक्शन का काम होता है कि अगर इसके अंदर प्लस वाली वैल्यूज है तो ये प्लस वाली वैल्यूज को भी कुछ नहीं कहता, ठीक है, जीरो है तो ये जीरो को भी कुछ नहीं कहेगा, फाइव है तो फाइव को भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर माइनस वाली वैल्यूज आएगी तो ये क्या करेगा अपने से एक माइनस को जनरेट करवाएगा और वो जो माइनस है उस माइनस वाली वैल्यूज को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इस फंक्शन का सिर्फ यही काम है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर अगर माइनस वाली वैल्यूज आ जाए तो उस माइनस वाली वैल्यूज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है प्लस में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो मैं लिखता हूं फाइव, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू कहते हैं ग्रेटर देन जीरो लें तो हमारे पास x ही आएगा कि इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास x क्या है 5 ही आ जाएगा, अगर 0 ले रहे हैं तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन कहता है अगर हम ये ले रहे हैं माइनस 5, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू कौन सी ले रहे हैं लेस देन 0 माइनस में ले रही तो ये फिर कैसे आएगा, ये एक साथ है माइनस जो है वो उसको जनरेट करेगा, ये माइनस आ जाएगा और साथ में हम लिख देंगे x, x क्या हमने लिया माइनस 5 तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस, ठीक है। सिंपल इस फंक्शन का काम क्या होता है कि ये माइनस वाली वैल्यूज को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये फंक्शन इस टाइप का स्टूडेंट होता है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है ये पीस वाइज मॉडुलस फंक्शन जो है ये पीस वाइज फंक्शन जो है उसकी एक टाइप है, और इसकी जो डोमेन है स्टूडेंट इस फंक्शन की
होती है रियल नंबर और जो रेंज है ये स्टूडेंट आप मुझे बताएं क्या होती है। ठीक है, देखें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर इसके अंदर प्लस वाली वैल्यूज आ रही है तो ये इसको प्लस में ही रहने देता है, अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो उसको भी जीरो में ही रहने देगा, लेकिन जैसे ही इस फंक्शन के अंदर कोई माइनस वाली वैल्यूज आएगी तो ये माइनस वाली वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। तो इस यहां पर तो हमें नजर आ गई कि इस फंक्शन की जो रेंज डोमेन है वो क्या होगी, रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर रियल जो है हमारे पास प्लस वाली वैल्यू भी होती है और माइनस वाली भी होती है, जब हम प्लस वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस में ही आंसर आएगा, लेकिन जब हम माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर भी क्या आंसर देगा, प्लस में ही देगा। तो इसका मतलब इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास स्टूडेंट जो है इसकी रेंज होगी, क्योंकि इस फंक्शन का काम ही यही है कि ये माइनस वाली वैल्यूज को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और ये मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसे हम बोलते हैं ये किसकी टाइप है स्टूडेंट, ये पीस वाइज फंक्शन की टाइप है।